तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रिकोल के स्टॉक के बारे में। प्रिकोल के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इसी वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हमको जो ये स्टॉक है वो यहाँ पर लगातार इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब अगर यहाँ पे स्टॉक अपने इस रेंज को ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी वन सेंडेड मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आज हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.34% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, अगर यहाँ से स्टॉक में ये तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से अभी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 354 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 370, और अगर स्टॉक ने इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक यहाँ पर 370 को भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अभी 385, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 400, और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 425, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 470 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यह सब गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 336 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 323 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 307 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।